जब आपने बताया कि आप बेम्बू से बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स का आप ये एग्जीबिशन कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप जो प्रयास कर रहे हैं, जो आपने एक इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव ऐसा है जिसको कि बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसके जिसके लिए हम जितना प्रोत्साहन है उतना कम। ये भारत की जो संगीत की परंपरा रही है, कोई 1,000 साल पुरानी नहीं, 2,000 साल से भी ज़्यादा की पुरानी रही परंपरा रही है, उसमें जो ट्रेडिशनल तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते रहे हैं, खासतौर पर बैम्बू से या और भी काफ़ी सारे मटेरियल काम में लिए गए हैं, उनमें से जो बने हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारी जो भारत की संगीत की परंपरा है उसका एक अभिन्न अंग है। तो उसमें जब तक कि हम ये नहीं जानेंगे कि इंस्ट्रूमेंट बना कैसे, उसकी आवाज़ का क्या, जो नोट्स हैं वो नोट्स कहाँ से आते हैं, उनकी नोट्स की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या क्या हो सकता है ये, तो संगीत सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है ये। आप जैसे फ्लूट की अगर बात कर ले, हम बांसुरी में जब सारे नोट्स नहीं हो पाते हैं, तो उनको जो बांसुरी को देख करके, हालांकि नोट्स की लिमिटेशन है, उसके ऊपर पूरा राग बजाना तो एक बहुत मुश्किल काम होता है, कला है ये। तो उनके लिए यहाँ पे जो देखने की आएगी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए ये। इसके अलावा एक नई चीज़ जानने का अवसर भी मिलता है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट देख रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं देखे। अब वो वहाँ पर जो आपका ये क्या, इसका मैं नाम नहीं जानता छोट हूँ। तरंग तबले की छोट से मैंने अच्छा, इसको नहीं वो वाला छोट तरंग जो वायलिन टाइप का जो आते रहे, ताकि लोगों को और नई चीज़ें सीखने का अवसर मिले। थैंक यू।